जी वो तो गाइस आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम लोग मिलने जाने वाले हैं मेरे दोस्त सूरज से भरे से, और हम लोग साथ में ही इंजीनियरिंग कॉलेज में हम दोनों ने साथ में पढ़ाई की, और हम लोग सेम सिटी से हैं। सो देखते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि उससे मैं बहुत दिनों बाद मिलने जा रहा हूँ। ये कोविड की वजह से अब मतलब मिलना और जुलना बहुत कम हो गया है लोगों का, बट ठीक है, आज हम फुल सेफ्टी के साथ जाएंगे और देखते हैं क्या हम लोग कैसा बातचीत होती है, कैसा फन होता है, और आप लोग देख ही पाएंगे। आप देख सकते हैं ये है अपनी राम प्यारी, और इसी से आज हम लोग जाएंगे अपने दोस्त से मिल। हाय गाइस, तो ये हैं हमारे मित्र सूरज, और इनको हम लगभग 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 इनको जो है हम 12 साल से जानते हैं। क्यों भाई, 12 साल हो गया होगा कि नहीं? डेढ़ दशक हैं, डेढ़ दशक। देखिए हिंदी का, देखिए लेवल, देखिए समझ रहे हैं, डेढ़ दशक। जैसा आप देख सकते हैं पीछे बेल भी जा रहा है, फ्रेम में दिख रहा होगा। हाँ, काफी सुंदर बेल है, नहाया नहीं है काफी दिन से, बाकी बाजू में नदी है लेकिन फिर भी नहाता नहीं है, नहाता नहीं बचे। और एक चीज और इनसे भी पूछिए, जो लोग अभी अभी सामने आपको जो दिख रहे हैं, ये लोग नहा के आए हैं कि नहीं नहा के आए? तो हम भी नहीं है। हाँ, क्या करें, ठंडी बहुत ज्यादा है भैया, ठंडी में ज्यादा नहा नहीं सकते आप, समझ रहे हैं, तबीयत खराब हो जाती है। कोरोना का टाइम चल रहा है, अपन हॉस्पिटल जाना नहीं चाहते। तो सूरज भाई, अपने एक्सपीरियंस बताओ इस जगह के बारे में, कैसा है तुम्हें, मतलब कैसा लगता है यहाँ पर? हेलो दोस्तों, तो आज हम आ गए हैं होशंगाबाद शहर में, एमपी में पड़ता है ये, और एक देख सकते, जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन है। सामने नर्मदा रिवर है, धार्मिक नगरी है, और काफ़ी अट्रैक्टिव लोकेशन है। लेट्स हैव अ लुक। लोग खड़े हुए हैं बहुत ही ऊंचे प्लेस पे, और यहाँ पे देखिए सीढ़ी बनी हुई, इसी सीढ़ी से हम लोग आए हुए ऊपर चढ़ के। ये सीढ़ी नीचे भी जाती है खास बात, और ये सीढ़ी ऊपर भी जाती है, दोनों खास बात है। अरे कहना क्या चाहते हो आप, गौर करिए इस बात को, ये मतलब इतनी बड़ी बात कह गए हैं ये, किनको भी नहीं पता ये कितनी बड़ी बात कह गए।
बड़े बड़े साइंटिस्ट मतलब जो है इसके पीछे पड़े हुए हैं कि भाई ये ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन इन्हें फाइनली जो है देखिए चेहरे पे कितनी चमक है इनके, तेज कितना है इनके देखिए। हालांकि नाया नहीं है, थोड़ी थोड़ी चमक है, थोड़ी थोड़ी चमक है। वो देखिए नाव जा रही है, कहाँ जा रही है नाव यार, दिख जाए। हाँ वो देखिए नाव दिख रही है, वो जा रही है नाव हमारे पीछे, वो देख सकते हैं ऊपर, ये इधर पे नाव जा रही है। हाँ तो भाई आज आज अपन ने जो है पब्लिक में अपना ये ब्लॉग कंप्लीट किया है, मतलब ज़्यादा लोग नहीं है फिर भी मतलब हैं, लेकिन हाँ ये बहुत कॉन्फिडेंस इसके लिए चाहिए था, और सूरज भाई साथ में थे तो मैं इतना बोल पाया, वरना बहुत डिफिकल्ट होता। अगर आप मेरी पुरानी अगर ब्लॉग देखोगे, लगभग 4 से 5 ब्लॉग अगर आप देखोगे, तो उसमें आपको मैं कहीं पर भी आपको बोलते हुए नज़र नहीं आऊँगा, बट ये पहली बार हुआ है जब मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, और शब्द मेरे कम पड़ जाते हैं, अल्फाज कम पड़ जाते हैं, कुछ मतलब समझ नहीं आता मेरे को कि मैं क्या बोलूं, बट धीरे धीरे ये इम्प्रूव होगा, और आई होप सो आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप मेरे कॉन्फिडेंस को और बढ़ाना चाहते हैं, तो अभी तक मेरे सिर्फ 24 से 25 सब्सक्राइबर हुए हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जितना हो सके इसको शेयर करें। सूरज भाई कुछ थोड़ा आप भी ज्ञान की बातें, ज्ञान तो देखो ऐसा है जीवन में सब मोह माया, बाबा बाबा कहाँ है चरण, बाबा बाबा के चरण, अरे बाबा चरण। हाँ तो भाई ये एक भाई मिला है मेरे को अभी, और ये ट्राइपॉड और ये माइक देख के ये मतलब समझ गया कि भाई ये कोई ना कोई यूट्यूबर होगा, तो मैं आपको बता दूं कि भाई मैं अभी रिसेंटली मैंने जो है अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, और ज़्यादा नहीं मतलब 24 से 25 सब्सक्राइबर हैं, और ये फर्स्ट टाइम है जब मैं पब्लिक में निकल के आया हूँ और मैं इतना बोल रहा हूँ। अगर आप मेरे पुराने ब्लॉग जाके देखोगे तो उसमें मैंने जो है मतलब कहीं पर भी मैं बोला नहीं हूँ, सिर्फ मैंने वीडियो अपलोड किए हैं, बैकग्राउंड से कुछ कुछ मैंने वॉइस दिया है, बट उससे ज़्यादा नहीं। फर्स्ट ब्लॉग ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग तो नहीं बोल सकते, मेरे 4-5 ब्लॉग हो गए हैं, लेकिन ये फर्स्ट टाइम है जब मैं बोल रहा हूँ, मतलब पब्लिकली बोल रहा हूँ और ये माइक पे ऐसा बोल रहा हूँ, वरना मैंने सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड किए हैं और अपलोड किए हैं। तो आपका नाम क्या है भाई? अनुज। अनुज, अनुज कहाँ पे रहते हो आप? मैं यहीं पास में रहता हूँ, सदर बाजार। अच्छा पढ़ाई करके आ रहे हो? हाँ बस कोचिंग से आ ही रहे हैं। कौन सी क्लास में हो? 9th में हो, तो नेक्स्ट ईयर बोर्ड होगी फिर? बोर्ड होगी। तो अच्छी तैयारी चल रही है? तो ये कोरोना की वजह से मतलब क्या मतलब मोबाइल पे ही अपना चल रहा है? नहीं अभी तो ऑनलाइन चल रहा था, वो ऑफलाइन हो चुका है सब कुछ। अच्छा वो ऑफलाइन हो गया है। और जो अभी केसेस जो बता रहे हैं कि बढ़ रहे हैं उसके बारे में क्या है मतलब कि? वो तो पता नहीं, चलते रहेंगे कोरोना तो, अपनी स्टडीज पे तो ध्यान देना ही है वैसे। हाँ तो ठीक है भाई, और तुमसे अच्छा लगा मिलके, तो अभी ये ब्लॉग मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, और अगर हाँ मैं तुमसे बोलूँगा कि जाके यूट्यूब पे सर्च करना शशिकांत सिंह ब्लॉग और उसको सब्सक्राइब करना। आज अपन मिलने जाने वाले हैं अपने दोस्त सूरज सिवहरे से। सो गाइस आज अपन मिलने जाने वाले हैं अपने दोस्त सूरज सिवहरे से। हे व्हाट्सअप गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, और आज हम लोग मिलने जाने वाले हैं मेरे दोस्त सूरज सिवहरे से। गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग।